हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। अभी ना मेरे घर के आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो अगर उसकी आवाजें आती हैं प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। आज के मुद्दे पे आते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्या लड़के लड़कियों की पैंटी पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे पास काफी कॉमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था जिसे काफी लोगों ने पसंद भी किया है। उसी वीडियो पे, और जब से वो वीडियो बनाई है तब से मेरी और वीडियो पे भी रेगुलरली एक क्वेश्चन और बार बार आ रहा है कि क्या लड़के लड़कियों की तरह ब्रा पहन सकते हैं या नहीं। खैर चलिए, इस पे भी डिस्कस करते हैं। और मेरी चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम किसी कपड़े की बात करते हैं कि उसे कोई पहन सकता है या नहीं पहन सकता है, उसे पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, सबसे पहली बात आती है चॉइस, कि उसकी ये चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहता है, उसे किस चीज में कंफर्टेबल फील होता है, किस चीज की उसे जरूरत लगती है। तो अगर किसी लड़के की ऐसी इच्छा है कि मैं लड़कियों जैसे कपड़े पहनूं, क्रॉस ड्रेसर्स जैसे होते हैं, लड़कियों जैसे तैयार होते हैं, उन्हें ड्रेसअप करना वैसे अच्छा लगता है, और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो खुद को लड़की जैसा अंदर से मानते हैं, लड़कियों जैसा मेकअप करना, तैयार होना, वो सब उनको पसंद रहता है। तो अगर कोई ऐसा है तो और इस रीजन की वजह से वो ब्रा पहनना चाहते हैं या बिकिनी पहनना चाहते हैं, सो इट्स देयर चॉइस, ये आपकी चॉइस है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। दूसरी चीज आती है नीड, यानी कि जरूरत, क्या आपको जरूरत है वो पहनने की। देखिए, अगर लड़कियों की बात करें तो उनकी बॉडी की ये जरूरत होती है कहीं ना कहीं कि उनको ब्रा पहननी पड़ती है, और बहुत सी लड़कियां जो नहीं पहनती हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो देखना, मैं उसका लिंक दूंगी आई बटन पे। मैंने उसमें बताया है कि ब्रा पहनना क्यों जरूरी है, कि एक हमें सपोर्ट देती है, जैसे हमारा ब्रेस्ट एरिया होता है लड़कियों का, वो अगर हैवी होता है और अगर वो ब्रा नहीं पहने तो ये कंधे थोड़े लटक जाते हैं, बैक झुक जाती है, बैक पेन होना, ये सब सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, चेस्ट पेन होना। इसके अलावा एक आपको सपोर्ट देती है, आप जो बाहर के कपड़े पहनते हैं वो भी थोड़े बेटर लगते हैं अगर आपने अंदर एक ब्रा पहन रखी हो, तो आपको एक सपोर्ट देती है, एक लिफ्ट देती है। तो और भी बहुत रीजन है जिसकी वजह से एक लड़की ब्रा पहनना चूज करती है। वहीं कुछ लड़कियों को उसमें प्रॉब्लम होती है, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है और उनको फ्री रहना ज़्यादा पसंद है, तो वो नहीं भी पहनती हैं, या फिर जिन लोगों का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो उनको भी ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि वो पहने या नहीं पहने। अब बात करें अगर लड़कों की, तो देखिए आपके लड़कियों जैसे ब्रेस्ट तो है नहीं, वो बात अलग है कि कुछ लोगों के, कुछ मर्दों के, कुछ लड़कों के मेंस के भी बूब्स निकल आते हैं, ब्रेस्ट जैसे निकल आते हैं, और ये रीजन प्रॉपरली लिखा गया था एक कमेंट में कि अगर किसी लड़के के ब्रेस्ट एरिया भारी है, उसके ब्रेस्ट जैसे हो गए हैं, तो क्या वो सपोर्ट देने के लिए ब्रा पहन सकता है या नहीं। देखिए, ये नॉर्मल नहीं है कि एक लड़के के लड़कियों जैसे ब्रेस्ट या बूब्स आ सकते हैं, इन्हें मैन बूब्स भी कहा जाता है, और अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो इसे गायनेकोमेस्टिया या गायनो कहा जाता है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, और ये ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, जैसे कि लड़कियों में भी और लड़कों में भी दोनों में ही टेस्टोस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है, टेस्टोस्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में होता है, वहीं लड़कों में टेस्टोस्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन यही अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो टेस्टोस्ट्रॉन के मुकाबले एस्ट्रोजन जो कम होने चाहिए लड़कों के शरीर में वो और ज्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरीके की, जैसे लड़कियों जैसे ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का एक साइन है। इसके अलावा मैंने और पूरी वीडियो बनाई हुई है कि और क्या क्या लक्षण होते हैं एक लड़के के शरीर में इस तरीके की प्रॉब्लम होने के, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के क्या लक्षण है, आप वो वीडियो जरूर देखना ताकि आप पता कर पाओ कि क्या आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो अगर आपके शरीर में इस तरीके के मैन बूब्स आपको दिख रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको अपने बूब्स को या ब्रेस्ट को सपोर्ट देना नहीं है ब्रा पहन के, उस कंडीशन को ठीक करना है। ये एक लक्षण है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है जिसे आपको ठीक करने की जरूरत है। ठीक कैसे होगा, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो वो कहीं ना कहीं आपके खराब लाइफस्टाइल का नतीजा होता है, तो क्या करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है।
रेगुलर बेस पे आप एक्सरसाइज करो, शरीर में जो फैट जमा हो गया है, बहुत ज्यादा जो फैट लोग बढ़ा लेते हैं अपने शरीर में, तो उनके भी जैसे मर्दों में एक तो तोंद आना और दूसरा इस तरीके के बूब्स आना, ये नॉर्मल है। तो उनको क्या करना है, उस फैट को कम करके अपना मसल बिल्डअप ज्यादा करना है। एक्सरसाइज करिए, आप जिम जाइए, आप वॉक करिए, आप मतलब किसी भी तरीके से अपने शरीर में थोड़ा सा वर्कआउट लाइए, कुछ भी आप ऐसे एक्सरसाइज करें, थोड़ा टहलें, वॉक करें, जॉग करें, जिम जाएं, तो इस तरीके से अपने शरीर को थोड़ा सा चलाइए। दूसरा, अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, जंक फूड बहुत कम करना है, हेल्दी फूड को बढ़ाना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से थोड़ा कम करना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। तो यही दो चार चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इंसान क्या कर सकता है, खुश रह सकता है, अच्छा खान पान ले सकता है, जंक फूड या बेकार हम जो बाहर का खाना खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाते हैं, उस चीज को कम करना है, एक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है। ये चीजें आप करोगे तो कुछ महीने में ही आपकी कंडीशन जो है वो बेटर होने लगेगी। फिर भी नहीं होती है, ज्यादा सीवियर हो गया है, तो आप डॉक्टर को भी दिखा के थोड़ा उनका कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है कि लड़कों को वैसे तो ब्रा पहनने की कोई जरूरत नहीं होती है, अगर आपको जरूरत लग रही है कि आपके बूब्स आ रहे हैं या ब्रेस्ट जैसे बन रहे हैं लड़कियों जैसे, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सपोर्ट उसको नहीं देना है, उस चीज को ठीक करना है। तीसरा, अगर आप कोई क्रॉस ड्रेसर हैं या आपकी इच्छा है, जस्ट आपका मन है ब्रा पहनने का, सो इट्स अगेन आपकी चॉइस है कि आप क्या पहनना चाहते हो। तो मैंने सारे पैरामीटर्स पे आपको रिप्लाई दे दिया है। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई और टॉपिक है आपके दिमाग में जिस पे आप चाहते हो कि मैं बात करूं, तो वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।